सावन का चौथा सोमवार आज है। शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। शिव भक्तों ने भगवान शिव का जल अभिषेक किया। दूध जल बेलपत्र से भगवान का अभिषेक यहां पर किया जा रहा है। तो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए लोग शिव को मनाने में जुटे हुए हैं। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सावन का चौथा सोमवार आज है तो आज सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें शिवालयों में देखने को मिल रही है। दूध जल बेलपत्र से भगवान शिव के यहां पर भक्तगण करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बेलपत्र दूध जल से भगवान का अभिषेक यहां पर किया जा रहा है। सावन का सोमवार आज है और मंदिरों में भारी संख्या में भक्तगण पहुंचकर भगवान का अभिषेक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो बोलबम और ओम नमः शिवाय के नारे शिवालयों में गुंजायमान हैं। सावन का चौथा सोमवार आज और भक्तों की बड़ी भीड़ शिवालयों के बाहर देखने को मिल रही है। भारी संख्या में भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवालयों में पहुँच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बड़ी संख्या में शिवालयों के बाहर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सावन का चौथा सोमवार आज है और सुबह से ही भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आज सावन का चौथा सोमवार है और सुबह से ही भारी संख्या में भक्तगण जो है वो शिवालयों में पहुंच रहे हैं, भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है, क्या कुछ देखने को मिल पा रहा है? बिल्कुल सर, इस हिसाब से आज सावन का चौथा सोमवार है और कहीं ना कहीं जाकर के काशी में भी माना जाता है कि महादेव तो लगातार उन चीजों को देखते हुए पूरे सुबह से ही, क्योंकि मैं मंदिर से थोड़ी दूर पे हूँ, कनेक्टिविटी वहां से बन नहीं पाती है, इसलिए तो कह सकते हैं कि जो मंदिर में भीड़ है वो लगातार सुबह से लोग देश धीरे से लोग पहुंच रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का पूजन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए। अपनी अपनी जो मनोकामना है वो कहीं ना कहीं लेकर के महादेव के मंदिर में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि अगर मैं महादेव को सावन के सोमवार में, अगर के सावन में लगातार आकर के दूध मदिरा और तमाम जितनी चीजें हैं अर्पित करूं तो कहीं ना कहीं उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होते हुए दिखाई देती है और कहीं ना कहीं इतनी श्रद्धा लोगों में है काशी विश्वनाथ मंदिर चाहे महादेव के मंदिर में जाने से, तो कह सकते हैं सुबह से ही लगातार जो है वो भीड़ देखने को मिल रही है और लगातार हम कह सकते हैं कि कल रात में वाराणसी के सीपी वाराणसी के डीएम तमाम आला अधिकारी इन चीजों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे थे कि जो कल यहाँ पर अगर भक्त अगर जुटते हैं चाहे भीड़ जुटती है तो उनसे कैसे निपटा जाए और कहीं ना कहीं जाकर के सोमवार में लगातार जो काशी में इस समय जो भीड़ देखने को मिल रही है वो बड़ी जबरदस्त है। कहीं ना कहीं जो लाइन है वो सुबह से अगर आप लाइन में चलते हैं तो आपका जाकर के 3 से 4 घंटा आपको क्योंकि अनाज का मौसम भी खुला हुआ है और कहीं ना कहीं जो धूप का सामना करना पड़ रहा है, तो अगर आप मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे तो कम से कम 3 से 4 घंटा आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से सचिन हम लगातार देख रहे हैं तस्वीरों में, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि एक बड़ा जन सैलाब जो है वो मंदिरों में उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई होंगी, प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर करने का दावा किया जा रहा है। जमीनी हकीकत की बात करें क्या कुछ देखने को मिल रहा है शिवालयों में? देखिए शायद अगर हम जमीन हकीकत की बात करें तो वाकई ही, क्योंकि काशी के जो वाराणसी की जो स्थिति है मोहित अग्रवाल से वाराणसी की जो डीएम है एज अ लिंगम और जो मंडलायुक्त है कौशल राज शर्मा,
ये लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जाके विश्वनाथ मंदिर में दौरा कर रहे थे कि आखिर में जो भक्तगण अगर जुटते हैं तो इतनी चिलचिलाती धूप में उनको कोई दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। सबसे तो बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि जब यहाँ पर कांवरिया पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वो दूर दराज से पहुंचते हैं और उनको दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, क्योंकि सावन में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार इन चीजों पर एक्टिव नजर आए कि कांवरिया जब दर्शन करने के लिए पहुंचे या चाहे विश्वनाथ मंदिर के लिए पहुंचे तो उनको कोई समस्या का सामना न करना पड़े। इसीलिए वाराणसी में भी लगातार जो सीटी है उन्होंने लगातार निर्देश दिए हुए थे कि यहाँ पर जितनी भी पेयजल की व्यवस्था और तमाम जितनी भी सीटें हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए और जमीनी हकीकत भी यही है कि सारी की सारी सुविधाओं से लैस ताकि विश्वनाथ मंदिर भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। कूलर की व्यवस्था भी की हुई है कि जो भक्तगण है वो अगर दूर दराज से पहुंचे तो उनको जो है दिक्कतों का सामना करना ना पड़ेगी। बिल्कुल, और सचिन सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए लोगों में खासा उत्साह रहता है क्योंकि अपनी एक अलग मान्यता है इस महीने की। ऐसे कहा जाता है कि इस महीने में अगर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो मनोकामनाएं जो हैं वो अतिशीघ्र पूरी यहाँ पर हो जाती हैं, और उसी के लिहाज से शिवालयों में जिस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि सावन का सोमवार हो और शिवालयों में भक्तों की भीड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी की बात करें तो खासा महत्व है, धार्मिक नगरी है, और ऐसे में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन की तरफ से भी की गई होंगी। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से तमाम सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन साथ साथ मंदिर में जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए जो मंदिर कमेटियां हैं या तमाम जो मंदिर के लोग हैं वो भी पूरी तरह से तत्पर नजर आते हैं। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है, व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल साहिल, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर की अगर हम बात करें जब से कॉरिडोर बना है तब से दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर में कह सकते हैं कि विदेश से भी लोग पहुंचते हैं, तमाम जितने समय नेतागण वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है अंदर मंदिर प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि जब यहाँ पर मंदिर में लोग मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं, विश्वनाथ मंदिर का जो शीर्ष करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि सावन का अपना एक महत्व है, पूरी व्यवस्था चाकचौबंद है और पूरी की पूरी जो कतारबद्ध कह सकते हैं लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, मंदिर कमेटी के जो लोग हैं वहां पर तैनात है। और सबसे बड़ी बात जो ये हो जाती है कि इस धूप में, मैंने बराबर कहा धूप में, लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसलिए मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है वहां पर। तो कह सकते हैं मंदिर प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरा मुस्तैद है, कोई ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए हमेशा मुस्तैद है, और लगातार वहाँ पे जो मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं वो जगह जगह पे लगे हुए हैं कि कोई दिक्कतों का सामना जो दूर दराज से दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं उनको कर लेना पड़ेगी। चलिए सचिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।